सो ही दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25,000 के प्राइसिंग में आने वाले टॉप 5 दमदार स्मार्टफोन्स के बारे में, जिसे आप इस महीने कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पर हम जितने भी स्मार्टफोन्स के बारे में बात करेंगे, हर एक डिवाइस जो है अपने प्राइसेंस के अकॉर्डिंग काफ़ी दमदार फीचर्स के साथ में लेस है। इसीलिए हम किसी भी स्मार्टफोन के बारे में जो है रैंकिंग वाइज बात नहीं करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको हर एक डिवाइस जो है 5G कनेक्टिविटी के साथ में लेस है। तो अगर आपका बजट 25,000 प्राइसिंग के आसपास है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और ऐसे ही औसम कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं Xiaomi की तरफ से आने वाले स्मार्टफोन Mi 11 Lite Any 5G डिवाइस के बारे में। ये डिवाइस जो है ऐसे यूजर्स के लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन है जिनको काफ़ी ज़्यादा स्लिम एंड लाइटवेट स्मार्टफोन चाहिए। यहाँ पर आपको मिलता है 6.55 इंच की एक फुल HD प्लस वाली 10-bit OLED डिस्प्ले, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। साथ ही ये डिस्प्ले जो है डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले काफ़ी कमाल का देखने को मिल जाएगा। साथ ही ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा सुपर स्लिम एंड लाइटवेट डिजाइन के साथ में आता है। और वहीं बात कर लेते हैं इसके कैमरा के बारे में, तो ये स्मार्टफोन आपको 64 मेगापिक्सल मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 5 मेगापिक्सल का जो है मैक्रो लेंस यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर आपको ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप मिलेगा। साथ ही आपको फ्रंट की ओर 20 मेगापिक्सल का जो है सेल्फी कैमरा मिल जाता है। कैमरा इस डिवाइस का आपको जो है प्राइसेंस के अकॉर्डिंग बढ़िया ही देखने को मिलेगा। और वहीं आपको सिक्योरिटी के लिए जो है साइड की ओर फिंगरप्रिंट का सेंसर यूज़ किया गया है। वैसे सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर यूज़ किया गया था, तो यहाँ पर जो है Xiaomi को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देना चाहिए था। और जैसा कि स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा स्लिम एंड लाइटवेट डिजाइन के साथ में आता है, जिसके कारण यहाँ पर आपको ओनली 4250mAh की बैटरी यूज़ की गई है, जहाँ पर आपको 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। इसके चिपसेट के बारे में बात करी जाए तो ये स्मार्टफोन आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G 5G चिपसेट के साथ में आता है, जो कि 6nm की आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। और अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको 12 5G बैंड्स का सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ जो है अच्छी खासी 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। तो ये डिवाइस जो है बिल्कुल ही फ्यूचर प्रूफ 5G डिवाइस है। तो यहाँ पर आप जो है आने वाले टाइम में 5G कनेक्टिविटी का अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर आपके ऑडियो एक्सपीरियंस को इनहेंस करने के लिए डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का भी सपोर्ट दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है 3.5 की ऑडियो जैक जो है स्किप कर दिया है, यानी कि आपको ऑडियो जैक यहाँ पर नहीं मिलेगा। प्राइसिंग की बात करें तो ये डिवाइस आपको 20 वेरिएंट जो है 6G प्लस 128GB स्टोरेज के साथ में मिल जाएगा, जिसका प्राइसिंग फिलहाल के टाइम में 27,000 है। लेकिन अगर आप इस डिवाइस को ऑफर्स या फिर अगर आप इस डिवाइस को सेल में ट्राई करेंगे तो ये डिवाइस आपको इजीली जो है 25,000 के प्राइसिंग में देखने को मिल जाएगा। सो ही दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फोन की ओर। तो ये डिवाइस आता है Realme की तरफ से, Realme X7 Max 5G। और यहाँ पर आपको मिलता है 6.43 इंच की एक फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 120Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। तो डिस्प्ले यहाँ पर भी आपको काफ़ी कमाल का मिलेगा। और अच्छी बात है कि इसके अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी फास्ट और रिस्पॉन्सिबल है। और वहीं आपको बैक साइड की ओर यहाँ पर भी जो है ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप यूज़ किया गया है, जिसका मेन सेंसर आपको 64 मेगापिक्सल का यूज़ किया गया है। इसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलेगा। साथ ही फ्रंट की ओर जो है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यूज़ किया गया है। कैमरा इस डिवाइस का भी आपको जो है ठीक ही देखने को मिल जाता है। और वहीं आपको 4500mAh की बैटरी यूज़ की गई है, जिसे चार्ज करने के लिए 50W की अच्छी खासी सुपर डार्क चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। और वहीं आप बात करते हैं इसके चिपसेट के बारे में, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस जो है काफ़ी स्मूथ मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर यूज़ किया गया है MediaTek Dimensity 1200 का चिपसेट, जो कि 5G को सपोर्ट करता है। और ये चिपसेट आपको ओनली 6nm पर बेस्ड है। साथ ही यहाँ पर आपको 7 5G बैंड्स का सपोर्ट भी दिया गया है। और वहीं ये डिवाइस आपको स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है। और अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको 3.5 की ऑडियो जैक दी गई है। प्राइसिंग की बात करें तो ये डिवाइस आपको 20 वेरिएंट जो है 8GB रैम के साथ में मिल जाएगा, जिसका प्राइसिंग फिलहाल के टाइम में 27,000 है। लेकिन अगर आप इस डिवाइस को सेल में या फिर अगर आप किसी ऑफर्स में ट्राई करेंगे तो ये डिवाइस आपको इजिली जो है 25,000 के प्राइसिंग के नीचे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको 25,000 के प्राइसिंग में काफ़ी कमाल की डिस्प्ले, अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, साथ ही आपको 3.5 की ऑडियो जैक चाहिए, तो आप इस डिवाइस को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। सो ही दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट फोन की ओर। तो ये भी डिवाइस आता है Realme की तरफ से ही, Realme GT Master Edition। ये डिवाइस जो है ऐसे यूजर्स के लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन होगा जिनको एक डिफरेंट लुकिंग वाली स्मार्टफोन चाहिए, साथ ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी चाहिए। यहाँ पर आपको मिलता है 6.43 इंच की एक सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। और यहाँ पर भी आपको 120Hz का पैनल दिया गया है। साथ ही अच्छी बात है कि आपको सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा। साथ ही इस डिवाइस का जो डिजाइन है वो आपको
दूसरे स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग इसका डिज़ाइन आपको प्रीमियम देखने को मिलेगा, जो कि सूटकेस डिज़ाइन के साथ में आता है। और वहीं आपको 64 मेगापिक्सल की मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का सेंसर यूज़ किया गया है। साथ ही आपको फ्रंट की ओर 32 मेगापिक्सल का जो है फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलेगा। बैटरी के बारे में बात करी जाए तो ये डिवाइस आपको 4300 एमएएच बैटरी के साथ में आता है, जहां पर आपको 65 वाट की अच्छी खासी सुपर डार्ज चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जिससे आप इस डिवाइस को ओनली 30 मिनट के अंदर ही 0-100% चार्ज कर पाएंगे। और वहीं आप बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको कैलकम स्नैपड्रैगन जो है 778G का चिपसेट यूज़ किया गया है और यहाँ पर आपको 8 5G बैंड्स का सपोर्ट मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस नो डाउट आपको प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस यहाँ पर मिलेगा। और अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको 3.5 की ऑडियो जैक भी दी गई है। प्राइसिंग की बात करें तो वैसे इस डिवाइस का प्राइसिंग फिलहाल के टाइम में 26,000 है, लेकिन अगर आप इस डिवाइस को सेल में ट्राई करेंगे तो ये डिवाइस आपको कई बार 20,000 से 21,000 के प्राइसिंग में भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको इस प्राइसिंग में एक डिफरेंट लुकिंग वाली स्मार्टफोन चाहिए, इसके अलावा आपको काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस और वहीं आपको अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, तो आप इस डिवाइस को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। सो ये दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में। तो ये डिवाइस आता है आईक्यू की तरफ से, आईक्यू Z5 5G, और यहाँ पर आपको मिलता है 6.67 इंच की एक फुल एचडी प्लस वाली आईपीएस डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज पैनल के साथ में आता है। और यहाँ पर भी आपको सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर यूज़ किया गया है। कैमरा की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड आपको 2 मेगापिक्सल का जो है सेंसर मिलता है। साथ ही आपको फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है और इसका भी कैमरा आपको जो है काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। और वहीं इस डिवाइस को पावर देने के लिए 5000mAh की अच्छी खासी बैटरी मिलता है, साथ ही आपको 44 वाट की फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। तो अब बात करी जाए इसके मल्टीटास्किंग और परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको कैलकम स्नैपड्रैगन 778G का जो है 5G चिपसेट यूज़ किया गया है। साथ ही इसके परफॉर्मेंस को और भी इनहेंस करने के लिए UFS 3.1 की स्टोरेज और आपको LPDDR5 की रैम दी गई है, लेकिन यहाँ पर जो है 5G के नाम पे ओनली आपको 2 ही 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है, तो आपको इन फ्यूचर जो है 5G कनेक्टिविटी में इशू हो सकता है, लेकिन आपको परफॉर्मेंस यहाँ पर प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा। साथ ही स्मार्टफोन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है और यहाँ पर आपको 3.5 की ऑडियो जैक भी दी गई है, जो कि गेमर्स के लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये डिवाइस आपको 8GB रैम के साथ में आता है, जिसका प्राइसिंग फिलहाल के टाइम में 24,000 है, लेकिन अगर आप इस डिवाइस को सेल में ट्राई करेंगे तो ये डिवाइस आपको 22,000 के प्राइसिंग में भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको कम प्राइसिंग में काफ़ी अच्छी वाली परफॉर्मेंस वाली स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस डिवाइस को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। सो ही दोस्तों, अब लास्ट में बात करते हैं एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आता है सैमसंग की तरफ से, गैलेक्सी M52 5G, और ये डिवाइस आपको मिलता है 6.7 इंच की एक सुपर एमोलेड फुल एचडी प्लस डिस्प्ले के साथ, जहां पर आपको 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही यहां पर आपको सिक्योरिटी के लिए साइड की ओर फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलता है। कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको जो है ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप यहाँ पर भी यूज़ किया गया है, जिसका प्राइमरी सेंसर आपको 64 मेगापिक्सल का मिलता है। इसके अलावा आपको 12 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। और वहीं फ्रंट की ओर 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। कैमरा इस डिवाइस का भी आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी बढ़िया मिलता है। और वहीं बात कर लें इसके बैटरी के बारे में, तो इस डिवाइस को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी यूज़ की गई है, लेकिन यहाँ पर आपको सैमसंग तरफ से आउट ऑफ द बॉक्स जो है 15 वाट का ही चार्जर मिलेगा। वैसे ये डिवाइस जो है 25 वाट तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। साथ ही यहाँ पर आपको सैमसंग की नॉक्स की सिक्योरिटी भी दी गई है और यहाँ पर भी आपको कैलकम स्नैपड्रैगन 778G का चिपसेट मिल जाता है। परफॉर्मेंस यहाँ पर भी आपको बढ़िया मिलेगा, लेकिन अगर आप इस डिवाइस को जो है लंबे समय तक गेमिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको हीटिंग इशू देखने को मिल जाता है। लेकिन अच्छी बात है कि इस डिवाइस के अंदर आपको 11 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है, तो ये भी डिवाइस आपको बिल्कुल ही फ्यूचर प्रूफ 5G डिवाइस है, लेकिन यहाँ पर आपको 3.5 की ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलेगा। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो वैसे इस डिवाइस का प्राइसिंग करेंट टाइम में 30,000 है, लेकिन ये डिवाइस आपको सेल के टाइम में 25,000 से 26,000 के प्राइसिंग में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको इस प्राइसिंग में एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए या फिर अगर आपको एक सैमसंग की तरफ से स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस डिवाइस को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। सो हे गाइस, यही था 25,000 के प्राइसिंग में आने वाले टॉप 5 कमाल के स्मार्टफोन्स। आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। तो इनमें से आपको जो कौन सा स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा, आप हमें जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, तो मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।